जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। खान सर का वीडियो है तो मतलब पूरी डिटेल्स में हमें जानकारी मिलने ही वाली है, तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट कर। पांचों पाकिस्तानियों को इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में फांसी दी जाए, ये कोई आम घटना नहीं है। आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों पर आरोप है कि इन्होंने सऊदी अरब की एक प्राइवेट कंपनी के दो गार्ड्स को बंधक बना लिया, उन गार्ड्स के साथ मारपीट की और बाद में उनकी हत्या। दोस्तों, पांच पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। और कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया। तो मगर आज पाकिस्तानी हम जब बाहर जाते हैं तो हमें बाहर जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहां पर जाकर ऐसे काम करें कि मुल्क का नाम बदनाम होगा। जो एक प्रिंस, सऊदी प्रिंस है, उन्होंने आप बात की और पाकिस्तान की बात की, लेकिन उन्होंने उसमें एक एग्जाम्पल दी, एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि को कंडेम किया, ये कहा कि जो हो रहा है गलत है, क्योंकि इसमें ना कोई हीरो है, सभी के सब विक्टिम्स हैं, कोई भी हीरो नहीं। पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं, इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा। अंदाज़ा कीजिए, एक ज़िंदा इंसान, हट्टा कट्टा इंसान, उसके ऊपर इन पांच पाकिस्तानियों ने तशद्दुद इस तरह से किया कि डंडे, मुक्के, जो हाथ में आया रॉड, वो सब उसके ऊपर बरसाए, जिसकी वजह से वो जख्मों की ताब ना लाते हुए बेचारा वो जान से गया। अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें, तो अगर फॉर एग्जांपल ये पांच पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया, तो होना ये था कि कल को वहाँ पे कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से बिना पूछे पाकिस्तान के पांच नागरिकों को फांसी पर चढ़ा दिया। और दोस्तों, कोई भी देश होता तो वो यही करता। बहुत गंदी और नीच हरकत की है, इंसानियत भी शर्मा जाए, जानवर भी ऐसे हरकत को देख के एक बार डर जाए कि ये क्या हुआ है। दोस्तों, मक्का जैसा पवित्र शहर, जो कि मुस्लिम लोगों का पवित्र शहर है, पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि भाई मक्का में जाके सारी गलत चीजें अपने आप सही हो जाती हैं, इस्लाम की देन है मक्का, होगी भाई। वहीं पे पांच पाकिस्तानियों ने इतनी निर्मम तरीके से, जानवरों की तरह से, मतलब बता नहीं सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आप लोग आर्टिकल पढ़ना यूट्यूब और गूगल पे, इस तरीके से पांच पाकिस्तानियों ने मिलकर दो बांग्लादेशियों को मारा है कि सीसीटीवी में देख के मतलब आप लोगों को रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे ही सऊदी अरेबिया के पुलिस को इस घटना की पता चली, उन्होंने सीसीटीवी वगैरह खंगाला और तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठे किए, पांच पाकिस्तानियों को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करते ही जो सऊदी अरेबिया की अदालत थी, उन्होंने तुरंत के तुरंत फांसी की सजा सुना दी और लटका भी दिया गया। अभी कल की ही बात है, कल ही इनको जो है लटकाया गया, पांच पाकिस्तानियों को। पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे काली पोत दी, और मक्का जैसे इस्लामिक पवित्र शहर में भी इन पाकिस्तानियों ने एक धब्बा पोत दिया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों पे थूथू हो रही है कि इन्होंने इस्लाम की बेइज्जती पूरी दुनिया में करवा दी, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब पांच पाकिस्तानी जो हैं वो एक एक बांग्लादेशी को मारने में, देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं, इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा। और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई, और इसके बाद सजा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है, डेथ पेनल्टी आपको करा पता है, वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाँच पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया, तो होना ये था कि कल को वहाँ पे कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो इनके लिए कोई मसला नहीं है।
और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन जिन बांग्लादेश उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज़्ज़त तो नहीं कमाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे हुकूमत जो है, क्योंकि सऊदीज़ का काम ही होता है कि वो वीज़ाज दे देते हैं बिकॉज उन्होंने उमरा करने जाना है, आए रोज़ मीडिया में ये खबर आती है जी आज 16 बंदों का गैंग पकड़ा गया है, 24 बैगर्स पकड़े गए हैं जो जी कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी ज़ियारात हैं वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे वो ड्रेस पहने होंगे, अरबी ड्रेस पहने होंगे या दूसरे ड्रेस पहने होंगे, पाकिस्तानी ड्रेस पहने होंगे, और कहेंगे जी कि हमारे पैसे गुम गए हैं या हमारा पासपोर्ट गुम गया, हमारे साथ ज्यादती होगी, दिस एंड दैट। और वहाँ पे ये होता है कि जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं उनको होता है हर रोज़ नए लोग जा रहे होते हैं तो उनको नहीं पता ये बंदा कब से बैठा हुआ। सो अगर ये बंदा, अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो नेटवर्क्स हैं ये प्रॉपर लोग, धंधा है, बिजनेस है ये, जो जिसे आप कहें। सो पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है वो भी जिसमें जो कहना कि वो इराक, सऊदी अरब और इन मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानी लेबर जाती है उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि भाई आप जब अपने दूसरे मुल्क जाते हो तो आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो, आप भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी की थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो मुल्क की रखें। मोहम्मद बिन सलमान पहले ही पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं और आप अंदाज़ा कीजिए कि जिंदा इंसान, हट्टा कट्टा इंसान, उसके ऊपर इन पांच पाकिस्तानियों ने तशद्दुद इस तरह से किया कि डंडे, मुक्के, जो हाथ में आया रॉड वो सब उसके ऊपर बरसाए, जिसकी वजह से वो जख्मों की ताब ना लाते हुए बेचारा वो जान से गया। उसके बाद ये चोरी करके फरार हो जाते हैं, पुलिस ने कुछ थोड़ी तगोदो की और इनको गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने जब इन पांच बंदों को देखा तो इनका जुर्म अगर सिर्फ चोरी तक का होता तो आज ये जेल के अंदर होते, सजा पूरी करके आखिरकार इनको पाकिस्तान भेज दिया जाता। लेकिन अब शायद पाकिस्तान में इनकी लाशें भी आई हैं या नहीं, सऊदी हुकूमत ने वापस किया या फिर वहीं वो दफन कर देंगे, ये अभी मुझे इस केस का पता नहीं है। लेकिन कि वहां पर सबसे ज्यादा सऊदी अरब में भिखारियों की तादाद वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी वहां भीख मांगते हैं, वो बाकायदा यहां से उमरा करने जाते हैं या विजिट वीजे पर जाते हैं तो वहां पर जाकर भिखारी बन जाते हैं, वहां पर भीख मांगते हैं। तो ये पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं हो रहा, पाकिस्तान तो ऐसे पहले ही भिखारी मशहूर है, तो फिर जब ऐसे लोग दुनिया में फैलेंगे, दुबई में, पाकिस्तान दुबई में, सऊदी अरब में, कतर में और दीगर ममालिक में, आप देखें कि वहां पर पाकिस्तानी भिखारियों की तादाद ज्यादा है। तो यही हाल अगर हम पाकिस्तानियों का रहा, यूं ही हम एक एक दिन में पांच पाकिस्तानियों के सर कलम होते रहे, पाकिस्तानियों को सजाए मौत मिलती रही, पाकिस्तान डीपोर्ट होके, पाकिस्तानी डीपोर्ट होके वापस पाकिस्तान आते रहे, तो फिर एक दिन होगा कि पाकिस्तान को कोई बुलाने वाला नहीं होगा। ये हमारी जो नई हुकूमत आई है, जैसे ही नई हुकूमत आई है, मुझे पता नहीं ये कब जाते हैं, बल्कि सऊदी अरब ये उमरा करने अभी जा रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। अब तो जारी बात है, हुकूमतों के पैटर्न से हमें पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो पता चल जाता है। एक तो रमज़ान शुरू हो रहा है और रमज़ान शुरू होने के बाद ज़रूर पाकिस्तानी लीडरशिप जो है ये 26-27 रमज़ान को उमरा करने जाएगी और वहाँ पे जाके लीडरशिप को मोहम्मद बिन सलमान को भी मिलेगी, उमरा भी करेगी और जो है वो एक और साथ में ये भी कहेंगे कि हमारी मदद करें। और फिर वो हमारी लीडरशिप वहाँ जाके कहती है कि हम मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है और हम ऐसे नहीं हैं वैसे नहीं हैं। और फिर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठे हैं, अपोजिशन जो होती है वो फिर इसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये क्या हरकतें जो हैं वो की जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये मांगना है या फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर जाके आप दूसरे मुल्कों के लोगों को कत्ल कर दें, मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई बुरी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से समझने की जरूरत है। तो दोस्तों आप लोग को एक चीज़ कमेंट करके जरूर बताना है कि सऊदी अरेबिया ने जो बिना पूछे पाकिस्तान से तुरंत के तुरंत इन पांच पाकिस्तानी हत्यारों को, जानवरों को, आतंकियों को, ये देखिए पांच आतंकी इन्होंने सऊदी अरेबिया में भेज दिए, तो सऊदी अरेबिया ने जो इनको लटकाया ये सही किया या नहीं किया वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। लेकिन दोस्तों इसी से एक चीज जरूर प्रूफ हो जाए, पाकिस्तान का एक एक शहरी कब आतंकवादी बन जाए कुछ पता नहीं है। जहां भी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में घूम रहे, आखिरकार ये पढ़े तो मदरसे में ही है। आज पाकिस्तान का ऑन एवरेज 75% बच्चा मदरसे का पढ़ा हुआ है
और मदरसे में कौन पढ़ाता है आप लोगों को पता है, ये मदरसे का हेड हुआ करता था पाकिस्तान में मौलाना हाफिज सईद, अभी है या नहीं ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक टाइम था शायद 2003 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, जब हाफिज सईद पाकिस्तानी ओल मदरसे का हेड हुआ करता था। तो आप लोग समझ लीजिए पाकिस्तान में वो क्या पढ़वाता होगा मदरसे में। इसलिए दोस्तों पाकिस्तानी जिस देश में भी है वो चलते फिरते आतंकवादी है, कब वो इंसान से आतंकवादी और इंसान से जानवर बन जाए, जानवर से भी बदतर, उसका कोई भरोसा नहीं। अगर आप लोग विदेशों में रहते हो तो मैं जरूर कहूंगा, कुछ भाई लोग पाकिस्तानी के संपर्क में और कहते हैं नहीं भाई पाकिस्तानी लोग ठीक है, कुछ लोग अच्छे होते हैं कुछ लोग खराब होते हैं, तो भाई ये क्या घटना है? कभी ऐसी घटना नहीं आती कि स्वीडन के लोगों ने ऐसा कर दिया, या कभी ऐसी घटना नहीं आती बांग्लादेश के लोगों ने कर लिया, अफगानिस्तान भाई अपने देश में तो करते हैं, अफगानिस्तान में थोड़ी मोड़ी खबर मिल जाती लेकिन ये भी खबर नहीं आता कि अफगानिस्तानियों ने यहां कर दिया, भारत के लोगों ने कर दिया ऐसा हत्या, नहीं, पाकिस्तानियों का नाम चोरी जेब कतरी हत्या मर्डर, सऊदी अरेबिया जैसे इतने स्ट्रिक्ट सरिया कानून में भी पाकिस्तानी ऐसी इलीगल एक्टिविटी। दोस्तों मैं बार बार अपने हर वीडियो में कहता हूँ, कई मुस्लिम भाई नीचे कमेंट करके भारत की मुझे गालियां देते हैं कि नहीं भाई सारे लोग ऐसे नहीं होते, भाई मैं कह रहा हूँ 85% पाकिस्तानी आतंकवादी माइंड सेट के, आप माने ना माने, ये कहीं पे भी जाके कोई सा भी अपराध कर सकते हैं, अपनी माँ बहन को भी ये बेच सकते हैं, ये इमरान खान ने कहा था, तो आप लोग समझ सकते हैं इनकी नीचता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहां तक देखें, बाकी हमें तो बहुत पसंद आया वीडियो, आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप जरूर बताएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।